इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिल्में कन्विक्शन से बनती हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है भरोसा। जी हां, किसी प्रोजेक्ट पर किसी का भरोसा, और वो भरोसा तब और ज्यादा खास हो जाता है जब किसी फिल्म को उसके मुकाम तक पहुंचाने में जी जान से उसका क्रिएटिव प्रोड्यूसर, उससे जुड़े तमाम लोग एक टीम की तरह डटे रहें, इस बात की फिक्र किए बगैर कि आगे क्या होने वाला है उन्हें कुछ नहीं पता। जॉन अब्राहम वो शख्स हैं जिन्होंने ये कर दिखाया। बहुत बहुत स्वागत जॉन, वेलकम टू ईटीवी। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा मैंने कहा, फिल्में हमेशा से कन्विक्शन का नाम रही हैं, लेकिन परमाणु ने एक बात सबसे खास तौर पे ये चीज एस्टैब्लिश कर दी कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपको अंतिम दम तक डटे रहना है। क्या कुछ रहा इस बीच आपके साथ? जी, काफी कुछ, एक्चुअली काफी प्रॉब्लम्स हुए थे स्टार्ट में, जो पार्टनर्स जुड़े हुए थे प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में एक जजमेंट दिया। वी आर वेरी हैप्पी, फॉर्चुनेट और थैंकफुल भी हम लोग, रियली अप्रिशिएटेड दिस फिल्म। अभिषेक, फिल्में आइडिया होती हैं शुरुआत में, और जिस तरह से हमने इसमें देखा, क्या इमोशनल लम्हा भी रहा आप लोगों के लिए जब कुछ नहीं हो रहा था? आप दोनों एक दूसरे से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बात भी करते रहे होंगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। क्या वो पॉइंट था जब लग रहा था कि कहीं हम गिव अप ना कर दें? नहीं, गिव अप तो कभी नहीं किया, लेकिन या देवर मोमेंट्स जहाँ पर कई बार हमारे पास आंसर्स नहीं थे कि इस प्रॉब्लम से निकलने का क्या हल है, एंड बट गिव अप आए थे हम दोनों में से कभी किसी ने नहीं किया, बिकॉज हम दोनों की जो फितरत जिसे बोलते हैं वो ऐसी है दैट हम लोग काफ़ी ज़िद्दी हैं, एंड यू नो हम दोनों सोचते रहते हैं, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि नहीं ये वर्क करेगा। और हाल फिलहाल जिस तरह की फिल्में आपने प्रोड्यूस की और जिस तरह से आपने बैकअप किया, बहुत रिस्क होता है। इतना भरोसा, जैसा परमाणु की बात की, मैड्रास कैफे की बात करें या बाकी आपके वेंचर्स की बात करें, आपने वो एक स्टैंडर्ड कायम रखा है, तो क्या ये प्रिसाइज है, ये आपका शुरू से इरादा है कि एज ए प्रोड्यूसर आप कम से कम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे? जी, एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं फिल्म में बिलीव करता हूँ, सब्जेक्ट में बिलीव करता हूँ, तो मेरे माइंड में वो रिस्क नहीं है। मतलब दूसरों के लिए एक ऐसे ये बन जाता है कि ये नॉन फॉर्मूला फिल्म है, आप कैसे करोगे, इसमें गाने नहीं है, इसमें कोई विलन नहीं है, ये विलन सैटेलाइट है, ये क्या हो रहा है इसमें। तो आई थिंक मैं बहुत ही कन्विंस था, और अभिषेक ने जब ही नरेट किया था आइडिया उस वक्त पे, आई वॉज कन्विंस दैट ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डू दिस, एंड जो इन्फॉर्मेशन अभिषेक के पास था वॉज आउटस्टैंडिंग। ऐसे इसके साथ हम लोग फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कहानी अलग है, लोगों तक पहुँचाना भी हमारा काम है बस। कितना टफ रहा शूट करते वक्त? बहुत सारे और एक्टर्स भी आपके साथ थे, बहुत होमवर्क नजर आया इन सबके बीच में? शूटिंग वॉज वेरी ईजी, सिर्फ टेम्परेचर जो था वो 55 डिग्री था अंडर लाइट, बट शूटिंग वॉज वेरी ईजी, बहुत मज़ा आया। हमने इतने सारे वर्कशॉप्स किए कि शूटिंग के वक्त पे एक टेक के बाद अभिषेक बोलते थे ओके ओके गॉट इट, और मैं बोलते थे हेलो एक और करना होगा, एंड लाइक नहीं नहीं मिल गया मुझे, मिल गया मिल गया। शूटिंग के दौरान टच वुड आई कैन से दिस ऑन रिकॉर्ड कि एक भी दिन ऐसा नहीं था वेयर वी वर स्ट्रेस्ड, एक भी दिन। सैंड स्टॉर्म्स हुए फिर भी वी वर नॉट स्ट्रेस्ड, और शूटिंग इतना स्मूथली गया कि वी फिनिश टू डेज इन एडवांस। डायरेक्टर ये एक प्रिविलेज मानते हैं, एक अच्छा कि आप किसी सिग्नेचर में नहीं बंधे हुए हैं? हाँ, मैं बनना चाहता ही नहीं, आई थिंक आर्टिस्ट कोई भी आर्टिस्ट बनना नहीं चाहिए। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर स्टैनली क्यूब्रिक जो है, उन्होंने हर जॉनर में क्लासिक्स दिए हैं, एंड मुझे लगता है कि मैं हर किस्म की फिल्म बनाना चाहूँगा। जैसे ये ड्रामा, अभी नेक्स्ट फिल्म रोम कॉम है, एंड जॉन और मैं कुछ सोच रहे हैं, वो अगर हम करते हैं साथ तो वो अलग है, एक और कुछ टॉपिक अगर वो करते हैं वो एकदम अलग है। सो आई थिंक हमको एक अच्छी कहानी बोलनी है। ये एक थिएटर से जुड़ा आदमी ही नवरस की बात कर सकता है। जॉन ग्रेजुएट है, मतलब हिंदी शब्द जो है ऐसे छोड़ता है जैसे परमाणु बम धार धार धार। परमाणु भी जब हमने टाइटल की बात की थी, जॉन लाइक परमाणु अच्छा, एंड ये सबको समझ में आएगा, मैं वो आपका काम है समझाना, आप प्रोड्यूसर हो, आप मार्केटिंग करो। कुछ बताइए उन फिल्मों के बारे में। नहीं, अभी तो एक फिल्म कर रहा हूँ सत्यमेव जयते, जो जून फर्स्ट वीक में खत्म होगी जी। उसके बाद रॉ कर रहा हूँ, रोमियो अकबर वॉल्टर और बाटला हाउस, तीन फिल्म कर रहा हूँ मैं बस। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों अपना अपना काम जो आने वाले वक्त में देने वाले हैं वो बेहतर और बेहतरीन रहे। ईटीवी से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।